हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो का वैम्पायर जानकी हीट को ट्रिगर करने के इरादे से जान को अपने किंगडम में लाकर उसके साथ फोर प्ले करने लगता है, जिस वजह से जान के हॉर्मोन्स अनस्टेबल होने लगते हैं। यीबो के फोर प्ले करने के कारण जान खुद को रिलीज करके यीबो को गुस्से में देखता है, जो जान से खुद को शांत कराने के लिए कह रहा था। और जान के मना करने पर वो जान के पैरों के बीच में बैठकर जान के लोअर पार्ट को घूरने लगता है, जिसे देख जान टेंस्ड होकर बोलता है, क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? अब जब तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हारे साथ लव मेकिंग करके अपनी मदद खुद ही कर लूंगा। तुम्हें तो सिर्फ लेट कर इंजॉय करना है, बाकी सब मैं खुद ही संभाल लूंगा, यीबो अपनी लिप्स को लिक करते हुए कहता है, जिसे सुनकर जान का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो कई बार डर से अपनी पलकें छपकाता है। अच्छा ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और अपने अल्फा को सेटिस्फाइड भी। जान फौरन यीबो की बात मान जाता है। यीबो एक सेटिस्फैक्टरी विनिंग वाली स्माइल के साथ खुद को भी नेकेड करके जान के उसे टच करने का इंतजार करता है। जान यीबो के लिटिल ब्रदर को अपने हाथों की मदद से शांत करने लगता है। यीबो जान के हर टच को एंजॉय करते हुए जान को देखकर स्मर्क किए जा रहा था। जब तक यीबो का लिटिल ब्रदर शांत होता है, जान की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि उसको अपने हाथ उठाने में भी तकलीफ हो रही थी। वो यीबो को घूरते हुए सोचता है, ये बीस्ट पूरा मॉन्स्टर है, कौन सा एनिमल ऐसा बिहेव करता है, ये तो हद ही हो गई। अगर कभी इसने मेरे साथ लव मेकिंग किया, उफ, वो तो ये करेगा ही, तब मेरी हालत तो मरने जैसी हो जाएगी। और गलती से इसकी रट का टाइम आ गया तो वो मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। फिर जान वही यीबो के साथ रात को उसके किंगडम में रुकता है और सोचता है कि उसकी मॉम उसके अचानक बिना बताए गायब होने पर बहुत अपसेट होंगी। ये सब इस बीस्ट की गलती है जिसने अपने फेरामोंस में मुझे फंसा लिया, ये कितनी गलत बात है। अगले दिन जान जब सोकर उठता है तो उसे अपनी बॉडी बहुत वीक महसूस होती है, उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। यीबो जान की हालत देखकर डॉक्टर को बुलाकर जान को चेक करने को कहता है, जहां जान अपनी आईज रोल करते हुए सोचता है कि ये सब कुछ इस बीस्ट की वजह से हुआ है जो मेरी हीट ट्रिगर करना चाहता था, अब ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे इसे कुछ पता ही ना हो। वहीं डॉक्टर जान को ठीक से चेक करने के बाद कहते हैं, इनकी हेल्थ कंडीशन बता रही है कि इनकी हीट एक हफ्ते में ही आने वाली है, लेकिन इनकी रिपोर्ट के हिसाब से हाइनस की हीट को आने में अभी 3-4 हफ्ते बाकी हैं। मजिस्ट्री, क्या आप रिसेंटली हाइनस के साथ इंटीमेट हुए थे? जिसे सुनकर ये वो स्माइल करता है, लेकिन जान ये सुनकर मानो बेहोश ही होने वाला था, क्योंकि उसकी हीट एक महीने में आएगी ये सोचकर ही जान घबराया हुआ था, जो अब बदलकर एक हफ्ता हो चुकी थी। ये सुनकर जान और ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अभी वो इन सबके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं था। कि तभी यीबो की तरफ देखते हुए जान को यीबो का स्टेमिना भी याद आ जाता है कि कैसे बीती रात उसके हाथों ने जवाब दे दिया था, इसलिए अब उसे सबसे पहले इस सिचुएशन से बचने का सोचना होगा। मेट्स का आपस में कंट्रोल खोना एक नॉर्मल बात है, मेरे मेट को मेरी जरूरत थी तो इसकी मदद करने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, यीबो अपने चेहरे पर एक स्मर्क के साथ कहता है। ये सुनकर जान पर एक दूसरा पहाड़ सा अपने ऊपर गिरता हुआ सा महसूस होता है और सोचता है, ये बदतमीज इंसान मुझे ब्लेम कर रहा है जबकि मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। ये सोचते हुए बिना एक शब्द कहे जान यीबो को शार्पली देखने लगता है और मन में कहता है, नीडी, मैं कब नीडी था, मुझे तो इस यीबो ने फंसाया, इसने कहा था सिर्फ एक सिंपल सा किस चाहिए, झूठा कहीं का, मेरी कमजोरी और हमारी मेट बॉन्ड का फायदा उठाकर मेरी हीट को ट्रिगर किया। फिर डॉक्टर दोनों को समझाते हुए कहते हैं कि आपको हाइनस का अब ज्यादा ख्याल रखना होगा, उनकी हीट जल्द आने वाली है तो उनका मूड और उनकी हेल्थ दोनों अनस्टेबल रहेंगे
उनको अच्छा खाना खाना होगा क्योंकि उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अगर आप बेबी के लिए अभी रेडी नहीं हैं, तो मैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ। ये बोर्ड डॉक्टर की बात बहुत केयरफुली सुन रहा था, मानो उसकी हीट आने वाली हो। कि तभी डॉक्टर की पूरी बात सुनकर ये बो फौरन कहता है, नहीं डॉक्टर, मेरे मेट ने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने के लिए मना कर दिया है क्योंकि वो मेरी बेबी को कैरी करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ये बो का ये धमाके वाला स्टेटमेंट सुनकर जान तो मानो ब्लड की वॉमिट ही कर देता। उसके मन में ख्यालों के बाढ़ आ रहे थे कि अरे, ये तो कई साल पहले की बात है, मैं तो तब खुद एक बच्चा था, लेकिन तब भी प्रेग्नेंट होने की बात को लेकर मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ना लेने की तो कोई बात ही नहीं की थी। फिर डॉक्टर दोनों को रिस्पेक्टफुली बो करके वहां से चला जाता है। ये वो एक नज़र गुस्से से भरे हुए जान की तरफ देखता है कि तभी एक स्माइल के साथ ये वो जान के चेहरे को प्यार से सहलाते हुए पूछता है, माय डियर मेट, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं तो कुछ गलत नहीं कहा। ये सब सुनकर तो मैं अपनी खुशी संभाल ही नहीं पा रहा कि मेरा मेट कितना समझदार है और मेरे बारे में कितना सोचता है। जान सरकास्टिकली जवाब देता है। ये वो जान के सरकास्टिक जवाब को इग्नोर करते हुए कहता है, नाश्ता तैयार है, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से नाश्ता कराऊंगा, फिर बाद में हम तुम्हारे किंगडम चलेंगे, तुम्हारी फैमिली तुम्हें देखना चाहती है। उसके बाद दोनों नाश्ता करते हैं, फिर नहाकर तैयार होते हैं और वापस ड्रैगन किंगडम जाने के लिए निकल जाते हैं। ड्रैगन किंगडम जाने तक येबो और जान बहुत सारी बातें करते हैं। फिर वहां पहुंचकर येबो जान के डैड के साथ किंगडम से जुड़े मामलों के बारे में बात करने चले जाते हैं कि तभी जान को अपने ब्रदर इन लॉ शुकाई से बात करने का मौका मिलता है। ब्रदर इन लॉ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है। जान ये बोलते हुए चारों तरफ देखते हुए ये मेक श्योर करता है कि कोई उन्हें सुन ना रहा हो। लेकिन जान की बात सुनकर शुकाई कंफ्यूज होते हुए कहता है, अब इस बार क्या है? अगर ये कोई डेंजरस काम हुआ तो मैं नहीं करूँगा। मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हारा भाई मुझे लेकर ओवर प्रोटेक्टिव है। शुकाई जवाब देता है, ये कोई खतरनाक काम नहीं है, मुझे सिर्फ हीट को दबाने की दवाई चाहिए। उस बीस्ट ने मेरी हीट को ट्रिगर कर दिया है जिसके लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। प्लीज तुम हमारे फैमिली डॉक्टर से दवाई लाकर देने में मेरी मदद करो ना। जान की बात सुनकर शुकाई हैरान होते हुए कहता है, ये इतना आसान नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे उन पिल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डॉक्टर से क्या कहूँगा? अरे कह देना कि तुम्हारे किसी दोस्त को चाहिए। जान का आइडिया शुकाई को हैरान कर देता है कि जान टाइम के साथ साथ कितना स्मार्ट हो गया है। शुकाई कहता है, ठीक है, मैं ले आऊँगा, लेकिन अगर तुम्हारे मेट ने तुम्हें पकड़ लिया तो मेरा नाम मत लेना। जिसे सुनकर जान हाँ में सिर हिलाता है और खुश होते हुए सोचता है कि अब मजा आएगा जब मेरी हीट का टाइम आगे बढ़ जाएगा, तब येबो का चेहरा देखने लायक होगा। जान के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, मानो उसने कोई हारी हुई जंग जीत ली हो। जान अपने कमरे में जाकर अपने ब्रदर इन लॉ के आने का इंतजार करता है। शुकाई किसी तरह दवाई ले आता है, लेकिन रास्ते में उसे शाओ यांग मिल जाता है, जिसे देख मानो शुकाई को तो हार्ट अटैक ही आ गया था। वो फौरन जान की दवाई छुपा लेता है। तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? शाओ यांग सस्पिशियसली शुकाई की तरफ देखते हुए पूछता है। शुकाई झूठ बोलने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन वो जब अपने ब्रदर इन लॉ जान से वादा कर चुका है उसकी हेल्प का, तो वो उसे निभाएगा। ये सोचकर शुकाई एक गहरी सांस भरकर बोलना शुरू करता है, मैं तो बस महल के आसपास घूम रहा था, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि ऐसा करने से हेल्थ अच्छी रहेगी। मैं रिस्पॉन्सिबल, हाँ सच में मैं रिस्पॉन्सिबल बन रहा हूँ। मैं बाहर बिल्कुल नहीं जाऊँगा और कोई परेशानी खड़ी नहीं करूँगा। अब मैं चलता हूँ, ब्रदर इन लॉ मेरा इंतजार कर रहा होगा। शुकाई ये कहकर बिना देरी किए वहाँ से भाग जाता है। शाओ यांग शुकाई की बातों से कंफ्यूज होते हुए सोचता है, मैं कभी बाहर नहीं जाऊँगा,
कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगा, इसका क्या मतलब? क्या मेरे भाई ने शुकाए को महल से बाहर भेजा था? लेकिन शाओयांग अपनी सोच पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है क्योंकि वो किसी जरूरी काम से जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ शुकाए जैसे ही जान के कमरे का दरवाजा खटखटाता है, फौरन जान दरवाजा खोलकर शुकाए को अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर देता है। शुकाए अंदर आकर बैठता है, वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तो जान पानी का गिलास शुकाए को देते हुए एक उम्मीद भरी नजर से पूछता है, क्या तुम दवाई ले आए? शुकाए हाँ में सिर हिलाकर पानी पीते हुए जान को दवाई पकड़ा देता है। जान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, ये सोचकर कि यीबो का रिएक्शन अब कैसा होगा देखकर मजा आएगा। जान फौरन बिना वक्त बर्बाद किए, इससे पहले कि शुकाए कुछ बोल पाता, दवाई खा लेता है। लो हो गया, ब्रदर इन लॉ थैंक यू सो मच, जान बहुत खुश होते हुए शुकाए से कहता है। शुकाए अपना मुंह बनाते हुए सोचता है कि उसका ब्रदर इन लॉ इतना इम्पेशेंट क्यों है, इसने तो इतना भी इंतजार नहीं किया कि मैं इसे डॉक्टर की बताई हुई इंस्ट्रक्शंस बता सकूं कि ये मेडिसिन कैसे लेनी है। क्या सच में तुमने सही तरीके से दवाई ले ली? शुकाए पूछता है। हाँ ले ली, जान कहता है। रियली तुम श्योर हो? हाँ हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो कि जैसे मैंने कुछ गलत किया है? जान शुकाए से कहता है, जो दिखने में ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल बेहोश हो जाएगा। क्या तुमने दवाई गर्म पानी से लिया? शुकाए पूछता है। हाँ और नहीं तो क्या, मौसम इतना ठंडा जो है, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? जान थोड़ा अनॉयड फील करते हुए कहता है। ये तुमने क्या कर दिया, क्या तुम मेरे इंस्ट्रक्शंस देने तक रुक नहीं सकते थे यू डम्बो? शुकाए चिल्लाते हुए कहता है। तुम क्या कहना चाह रहे हो, इसमें लिखा था कि एक पिल लेने के लिए, तो वो मैंने ले ली, जान कहता है। पर ऐसा नहीं है, शुकाए एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है। तो क्या बात है, क्या ये दवाई काम नहीं करेगी? जान टेंस्ड होते हुए पूछता है। बिल्कुल काम करेगी, लेकिन वैसे नहीं जैसा तुम सोच रहे हो यू स्टूपिड ड्रैगन, शुकाए जान के सिर पर मारते हुए आगे कहता है। ये दवाई दो तरह से काम आती है, एक हीट को रोकने के लिए और दूसरा हीट को पहले लाने के लिए। दवाई को अगर ठंडे पानी से लेते हैं तो हीट को पोस्टपोन किया जाता है, पर अगर दवाई को गर्म पानी से लेते हैं तो ये हीट को इंड्यूस करता है। शुकाए की बात सुनते ही जान को अपना पूरा कमरा गोल गोल घूमता नजर आने लगता है। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था जो कुछ भी शुकाए ने अभी कहा था। क्या क्या किया मैंने अभी? जान कांपती आवाज में कहते हुए वहीं बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर में अचानक से खड़ा होकर शुकाए को शेक करते हुए पूछता है, ये दवाई कितनी देर में अपना असर दिखाएगी? क्या इसका कोई एंटीडोट नहीं है? शुकाए को वॉमिट सा फील होने लगता है क्योंकि जान टेंशन में शुकाए को एक दवाई की बॉटल की तरह शेक कर रहा था कि तभी शुकाए कहता है, मुझे हिलाना बंद करो, क्या तुम मेरे बेबी को मेरी बॉडी में घोल देना चाहते हो? इस दवाई का असर अगले 15 मिनट में होने लगेगा और इसका कोई एंटीडोट नहीं है। ये सुनकर जान को चक्कर आने लगते हैं और वो फ्रस्ट्रेट होकर पूछता है, ब्रदर इन लॉ क्या तुम उस यीबो से मिले हुए हो और तुम दोनों ने मिलकर ये सब किया है? जिसे सुनकर शुकाए को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, एक तो मैंने तुम्हारी मदद की और तुम उस चीज के लिए मुझे ब्लेम कर रहे हो जो मैंने किया भी नहीं। गुड बाय यू स्टूपिड डम्बो। ये कहते ही शुकाए गुस्से से भड़कता हुआ वहां से चला जाता है। जान अपने दांत पीसते हुए अपने कमरे में ही घूमने लगता है। उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था, वो कुछ नहीं सोच पा रहा था कि वो अब क्या करे। जान अपने बालों को नोचते हुए बड़बड़ाता है, जान कम ऑन कुछ तो सोचो। जान एक जगह रुककर गहरी सांस भरते हुए सोचना शुरू करता है,
कि अब उसके पास 10 मिनट से भी कम टाइम बचा है उसकी हीट को शुरू होने में। जॉन बाहर जाकर खुद को शांत करने का सोचता है, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं था, क्योंकि क्या होगा अगर जॉन बाहर ही हीट में आ गया और वहां मौजूद अनमेटेड अल्फा ड्रैगन्स उस पर टूट पड़े तो? क्या मैं ड्रैगन किंगडम से ही भाग जाऊं? अरे नहीं, तब भी तो दूसरे अल्फा एनिमल्स उस पर अटैक कर देंगे। उफ, अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं इसी कमरे में रहूं और अपनी किस्मत का इंतजार करूं। फिर जॉन खुद को बाथ टब में भिगाने का सोचता है, लेकिन जैसे ही वो कदम आगे बढ़ाता है उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। वो अपनी बॉडी में हीट महसूस करने लगता है जो उसके स्टमक से होते हुए उसकी पूरी बॉडी में फैल रहा था। वो वही जमीन पर गिर जाता है। उसके फेरोमोन्स पूरे कमरे में भरने लगते हैं और उसकी सेंट पहले से ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी। जॉन की सेंट जैसे ही आसपास खड़े अनमेटेड अल्फास तक पहुंचती है जो वहां पैलेस को गार्ड कर रहे थे, अपने होश खोने लगते हैं और उस तरफ बढ़ने लगते हैं जहां से वो मीठी और लुभावनी खुशबू आ रही थी। वहीं वोंग इबो, जो जॉन के डैड के साथ मीटिंग कर रहा था, अचानक रुककर जॉन के कमरे की डायरेक्शन में देखता है और फौरन वहां से बिना कुछ कहे गायब हो जाता है। दूसरी तरफ शुकाय, जो भागता हुआ यीबो के पास जॉन की सडन हीट के बारे में बताने आ रहा था, थक कर रास्ते में ही बैठ जाता है और एक गार्ड को बुलाकर यीबो को जॉन की कंडीशन बताने को कहता है। लेकिन जब वो गार्ड हिचकिचाते हुए लेकिन कहकर मना करने ही वाला होता है, शुकाय चिल्लाते हुए कहता है, अपना ये लेकिन वेकिन बंद करो और फौरन जाकर रिपोर्ट करो। अगर प्रिंस को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम याद रखना। गार्ड शुकाय की बात से घबरा कर वहां से फौरन यीबो को सब बताने चला जाता है, ये सोचते हुए कि क्राउन प्रिंसेस वक्त आने पर कितने खतरनाक बन जाते हैं। वहीं जॉन के कमरे के बाहर जो मेटेड और बॉन्डेड अल्फास पहरा दे रहे थे, वो बाकी अल्फास को जॉन तक पहुंचने से रोक रहे थे, क्योंकि उनके अपने मेट से बॉन्डेड होने की वजह से उन पर जॉन की सेंट का असर नहीं हो रहा था। कि तभी यीबो जॉन के कमरे में पहुंच जाता है और एक बैरियर कमरे के चारों ओर बना देता है, जिससे जॉन की सेंट बाहर जाने से रुक जाती है। जॉन की सेंट यीबो को वहां खींच लाई थी। यीबो फौरन जॉन को जमीन से उठाकर अपने गले लगा लेता है। जॉन, जो हीट और पेन से बेहाल था, अचानक से किसी को अपने पास जो उसे हग कर रहा था देखकर जॉन को अच्छा फील होता है। इट्स टू हॉट, मदद करो मेरी प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है, जॉन धीमी आवाज में कहता है, जो यीबो सुनकर और ज्यादा अपना कंट्रोल खोए जा रहा था। तभी जॉन मुश्किल से अपनी आंखें हल्की सी खोलकर देखता है और जब वो अपने सामने अपने मेट को देखता है तो वो रिलैक्स होकर दोबारा आंखें बंद करके यीबो की सेंट को इनहेल करने लगता है, जिससे उसका दर्द थोड़ा कम होता है। लेकिन ये जॉन के लिए काफी नहीं था, उसे और बहुत कुछ चाहिए था। सो ब्यूटीफुल, सो सेडक्टिव, यीबो ये कहते हुए ग्रॉल करता है और जॉन के चेहरे को प्यार से सहलाता है। जॉन अपने सूखे होंठों को लिक करते हुए सेडक्टिव वॉइस में कहता है, प्लीज मुझे किस करो और आज अपना बना लो। ये कहते ही जॉन यीबो को अपनी तरफ खींचकर किस करने लगता है। यीबो भी बिना टाइम वेस्ट किए जॉन का किस रिटर्न करता है, फिर बिना किस तोड़े जॉन को प्यार से उठाकर बेड पर ले जाता है। फाइनली आज यीबो उस इंसान को पूरी तरह से अपना बना लेगा जो हमेशा से ही उसका था। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द आप सब से वापस मिलूंगी इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय।